नमस्कार, स्वागत है आपका INN24 पर। आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जगदलपुर विधानसभा क्रमांक 86 में दो पूर्व महापौर के बीच चुनावी जंग हो रही है। जाहिर है कि महापौर रहने के दरमियान कुछ भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर दोनों दलों में आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे, यशवर्धन राव दोनों ही वरिष्ठ पार्षद हैं और लगभग पिछले 3-4 कार्यकाल से पार्षद निर्वाचित होते आ रहे हैं। दोनों पार्षद महापौर के कार्यकाल के दौरान पार्षद पद पर रहे हैं, वर्तमान में भी पार्षद हैं। संजय पांडे आज भाजपा के नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में हैं, वहीं यशवर्धन राव सभापति हैं। जहां संजय पांडे ने भाजपा कार्यकाल के दौरान नगर विकास सहित लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बस स्टैंड, सिटी बस सहित पुराना बस स्टैंड, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, गंगा मुंडा तालाब सौंदर्य सहित पार्क, चौपाटी सहित तमाम कार्य भाजपा कार्यकाल के दौरान किए गए थे। नेता प्रतिपक्ष पांडे ने कांग्रेस की निगम सरकार पर भाजपा द्वारा किए कार्यों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है, जिसके कारण पब्लिक जो सुविधा भाजपा कार्यकाल में दी गई थी वे सब वर्तमान में जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गई है, राजनीतिक द्वेष का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस के पार्षद यशवर्धन भाजपा शासन में किए गए कार्यों में गुणवत्ताहीन और घटिया निर्माण को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। सिटी बसों के संबंध में कहा कि भाजपा द्वारा कमीशन खोरी के चलते घटिया बसें मंगाई गई थी, जिसके कल पुर्जे पार्ट्स आज बाजार में उपलब्ध न होने के कारण वह सब आज कंडम अवस्था में पड़े हुए हैं। यशवर्धन राव ने भाजपा कार्यों को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने का आरोप लगाया। इसके संदर्भ में मैंने आप सबसे चर्चा की, जो आप शहर में जितने नवीन सड़क दिख रही हैं, ये माननीय किरण देव जी के समय में हुआ है। जो शहर के आज जो पहचान बन चुके हैं, चाहे वो चौपाल, चाहे वो स्विमिंग पूल हो, जितने नाम आप मैंने गिनाए, जतीन जायसवाल जी ने 5 साल में सिवाय इन उपलब्धियों को, इन नगर निगम की धरोहरों को बर्बाद करने के अलावा एक नए ईंट रखने का प्रयास इसको नहीं किया। जो लोग 40-40 लाख रुपए देकर दुकान खरीदे थे, आज भी देखिए 10 साल इनका कार्यकाल पूरा होने के बाद भी वो वैसा ही जो भवन है ठीक ढंग से चालू नहीं। सिटी बस, वो जो सिटी बस था, उस सिटी बस का पार्ट्स ही नहीं मिलते। मैं उस समय नेता प्रतिपक्ष था, पर मैंने अपने कुछ लोगों को कहा भी कि सिटी बस का टेंडर लग रहा है, आप लोग पार्टिसिपेट करो। गुप्ता ट्रेवल्स और भारत ट्रेवल्स से बड़ा ट्रांसपोर्ट कंपनी शहर में नहीं है, लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति को दे दिए जो उस मामले में टेक्निकल कुछ जानता ही नहीं है। नाम इधर बोथरा जी लिए, वो कभी कार कभी टैक्सी के रूप में उपयोग नहीं किए होंगे, उनको बसें दे दी गई उनके कार्यकाल में, अब पूरा का पूरा कंडम हो गया। उसका पार्ट्स नहीं मिल रहा है, पार्ट्स नहीं मिलने के कारण दूसरे कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, और हम लोग टेंडर किए थे तो वहाँ पे कोई आया नहीं, बोले इसका पार्ट्स नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे लेंगे। तो सबसे बड़ी बात, घटिया कंपनी का बस लेकर, आपको अच्छा कंपनी का चाहिए जो 20 साल तक बस चले वो चाहिए, तो उसमें कमीशन कम मिलेगा, और जो घटिया बस देंगे निश्चित रूप से उसमें कमीशन ज़्यादा मिलता है। तो कमीशन के खेल के कारण उन बसों को लाया गया, उन बसों को कंडम भी उन्हीं के समय में हो गया। हम लोग टेंडर किए लेकिन कोई पार्टिसिपेट इसलिए नहीं किया कि पार्ट्स नहीं मिलते उस, इसीलिए ठीक है।